नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दारोगा और सार्जन भर्ती परीक्षा की तारीख में होंगे बदलाव। सहरसा से दिल्ली जा रही बस खाई में पलटी। 24 अगस्त को जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। नल जल योजना में पानी के कनेक्शन लेने वाले को देना होगा टैक्स। गाइडलाइंस के बीच मनाया गया गम का त्योहार मुहर्रम। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी पटना समेत कई जिलों में आज बारिश के हैं आसार। बिहार के कई जिलों में मानसूनी प्रभावों से बारिश होने की संभावना बनी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना समेत कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन इन दिनों फिरोजपुर, नरनौल, ओराई, सिद्धि, जमशेदपुर, बंगाल की खाड़ी से होते दीघा से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र होने के कारण राज्य के पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और जहानाबाद समेत अन्य जिलों में बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी है। जदयू प्रवक्ता ने जगदानंद सिंह के पार्टी कार्यालय लौटने पर कसा तंज। सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी में आंतरिक कलह के बीच जदयू के नेता तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। बीते दिन ही तेज प्रताप यादव से नाराजगी के बाद भी तेजस्वी यादव के मनाने पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष करीब 10 दिनों के बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस मुद्दे पर जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव ने खुद जगदानंद सिंह पर पलटवार किया है, तो दूसरी तरफ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी ट्वीट कर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि पार्टी को पारिवारिक संपत्ति समझने वालों का आंतरिक कलह सबके सामने आ गया। राजनीति में जमीन और स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण है, मगर जगदा बाबू ने पद के लिए स्वाभिमान से समझौता कर लिया। गाइडलाइंस के बीच मनाया गया गम का त्योहार मुहर्रम। इस्लाम धर्म में दुख के तौर पर मनाया जाने वाला त्योहार मुहर्रम आज सूबे के इस्लाम धर्मावलंबियों ने शांतिपूर्वक मनाया। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस महीने से ही इस्लाम धर्म में नए साल की शुरुआत होती है। इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है, जो कि चांद के हिसाब से चलता है। यह महीना शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने के 10वें दिन आशूरा मनाया जाता है। इस्लाम मजहब की मान्यता के मुताबिक कहा जाता है कि अशुरा के दिन इमाम हुसैन का करबला की लड़ाई में सिर कलम कर दिया गया था और उनके गम की याद में इस दिन मुहर्रम मनाने और जुलूस और ताजिया निकालने की रिवायत है। नल जल योजना में पानी के कनेक्शन लेने वाले को देना होगा टैक्स। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल का जल के तहत अब पानी कनेक्शन लेने के लिए लोगों को हर महीने मासिक शुल्क भरने होंगे। कनेक्शन लेने वाले घरों में वाटर मीटर नहीं लगेंगे, बल्कि नगर निकायों को दिए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स के ही आधार पर कनेक्शन लेने वाले घरों को 40 से 150 रुपए हर महीने पेयजल शुल्क भुगतान करना होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स के आधार पर 4 श्रेणी बनाए हैं, जिसमें अलग अलग शुल्क किए गए हैं। इन 4 श्रेणियों में आवासीय श्रेणी, व्यावसायिक श्रेणी, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों की श्रेणी और लघु औद्योगिक इकाई की श्रेणी आती हैं। इनमें से पानी के खर्च के हिसाब से मासिक या वार्षिक शुल्क तय किए जाएंगे। हालांकि आवासीय श्रेणी में कम रुपए टैक्स भरने होंगे। 24 अगस्त को जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। लंबे समय के इंतजार के बाद अब सिर्फ 4 दिनों के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों द्वारा चरणवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरा जाएगा। खास बात यह है कि इस बार पंचायत चुनाव पर्व त्योहारों के बीच मनाया जाएगा। 24 सितंबर से पहले चरण का मतदान शुरू होगा और 12 दिसंबर को अंतिम चरण के लिए वोटिंग होंगे। इस बीच दुर्गा पूजा, दिवाली और बिहार का महापर्व छठ पर्व भी इसी बीच मनाए जाएंगे। ऐसे में उत्सवी माहौल में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। बताते चले कि इस बार 11 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने की मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। प्रधानाध्यापक बहाली के लिए बीपीएससी की तरफ से 150 अंकों की ली जाएगी परीक्षा। बीते दिन बुधवार को राज्य के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बीपीएससी के जरिए हेड मास्टरों की बहाली करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक इन दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ही परीक्षा लेगा। इस परीक्षा में 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। अधिसूचना के मुताबिक सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव और बहुवैकल्पिक होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, वहीं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे तय की गई है। बता दें कि इसके तहत प्राथमिक स्कूलों में 40,558 पदों पर प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि उच्च माध्यमिक स्कूलों के 5,334 खाली पदों पर प्रधानाध्यापक की बहाली होगी।
अब सुबह 9 से रात के 9 बजे तक ले सकते हैं कोविड वैक्सीन। सूबे में टीकाकरण के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों में टीका देने की समय अवधि को बढ़ाया गया है। इसके तहत अब सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक टीका ले सकते हैं। इसका फायदा कामकाजी लोगों को मिलेगा, जिससे वे अपना काम करने के बाद भी टीका केंद्र पर रात के 9 बजे तक पहुंच सकते हैं। राज्य भर में इसके लिए 47 केंद्रों को चिन्हित किया गया है। सभी 38 जिलों में से अधिकांश में एक सेंटर इस तरह का बनाया गया है, जबकि कुछ जिलों में ऐसे 2 या फिर 3 सेंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ ऐसे भी केंद्र बनाए हैं जहां केवल सेकंड डोज लिया जा सकता है। मधुबनी में 3 ऐसे केंद्र हैं, जिनमें जिला संस्कृत भवन, आरके कॉलेज और रेड क्रॉस शामिल हैं। छात्र राजद अध्यक्ष को पद से हटाने पर भड़के तेज प्रताप यादव। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी खत्म हुई, लेकिन अब पार्टी की आंतरिक कला खुलकर सामने आने लगी है। बीते दिन जहां जगदानंद सिंह को मनाने के लिए तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव को छात्र राजद के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और गगन कुमार को नया अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव काफी भड़क गए हैं। जगदानंद सिंह का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके सिवा किसी को हक नहीं है कि कोई स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष का चुनाव कर ले। इस पर तेज प्रताप ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलती है और राजद का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पद मुक्त नहीं कर सकते। जो हुआ वो राजद के संविधान के खिलाफ हुआ। बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट कर दी जारी। बिहार बोर्ड ने बीते दिन राज्य के सभी इंटर कॉलेज और प्लस टू स्कूलों में इंटर एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया है। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। www.ofssbihar.in पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स चाहे तो अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट में शामिल स्टूडेंट्स उस कॉलेज में 24 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं जिसमें उनका नाम आया है। बोर्ड ने कहा है कि जिनका नाम प्रथम मेधा सूची में नहीं है वे 24 अगस्त तक नया विकल्प भर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स नए कॉलेज या फिर संकाय का चुनाव कर सकते हैं, जिसके बाद इन्हीं विकल्पों के आधार पर उन्हें दूसरी लिस्ट में जगह मिलेगी। हालांकि दोबारा विकल्प के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब भूमि विवाद के निपटारे के लिए नहीं काटने पड़ेंगे ब्लॉक के चक्कर। सूबे के मोतिहारी जिले में ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए सीओ ने अनोखा फैसला लिया है, जिसके तहत अब भूमि विवाद या फिर राजस्व कार्यालय संबंधित किसी काम को कराने के लिए पंचायतों के ग्रामीणों को ब्लॉक के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अब पंचायत मुख्यालयों में प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक राजस्व कर्मचारियों को पंचायत में उपस्थित रहना होगा। इसे लेकर मोतिहारी जिले में सीओ ने आदेश को भी पारित कर दिया है और अंचल में कार्यरत 8 राजस्व कर्मचारियों को नगर व पंचायत की जिम्मेवारी सौंपी है। मोतिहारी में जनहित को देखते हुए यह अनोखा आदेश दिया गया है, जिससे अब भूमि विवाद के निपटारे के लिए पंचायत के ग्रामीणों को समस्या नहीं आएगी। सहरसा से दिल्ली जा रही बस खाई में पलटी। सूबे में आज बड़ा हादसा हो गया। पूर्वी चंपारण के कोटवा में सहरसा से दिल्ली को जा रही यात्रियों से भरी बस खाई में पलट गई। इस बस में 76 यात्री सवार थे, जिसमें से दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में बस अनियंत्रित हो गई और पानी भरे खाई में पलट गई। इस बस में 20 यात्री सहरसा से सवार हुए थे, जबकि खुलने के बाद दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी कई यात्री सवार हुए। इस बीच बारिश के बीच आसपास के ग्रामीणों ने राहत और बचाव के लिए आगे आए। बाद में पुलिस को सूचना देने पर बचाव कार्य शुरू किया गया। जदयू सांसद शरद यादव से चिराग पासवान ने की मुलाकात। लोजपा में टूट होने के बाद से ही चिराग पासवान लगातार आम लोगों और दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन वे जदयू से राज्यसभा सांसद शरद यादव से उनके आवास पर मिले। इस दौरान चिराग पासवान के साथ उनकी मां भी थी। हालांकि इस आधे घंटे की मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन बिहार की सियासत में कई तरह की बातें उठ रही है। मुलाकात के बाद दोनों ही मीडिया से भी मुखातिब हुए और साथ में तस्वीरें भी ली गई। वहीं शरद यादव ने लोजपा में टूट होने की बात को चिराग पासवान के सियासी करियर को खत्म करने की साजिश बताई। साथ ही शरद यादव ने कहा कि चिराग पासवान अभी स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं, आगे का फैसला वे खुद ही लेंगे। दारोगा और सार्जेंट भर्ती परीक्षा की तारीख में होंगे बदलाव। बिहार पुलिस में दारोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर होने वाले बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए नई तारीख जारी होगी। अब यह परीक्षा दिसंबर के आखिर में या फिर जनवरी महीने में आयोजित किए जाने की संभावना है। इसकी तारीखों पर मंथन होगा। इससे पहले 5 दिसंबर को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण अब तारीखों को बढ़ाया जाएगा और 12 दिसंबर के बाद ही दारोगा भर्ती की परीक्षा ली जाएगी। बीपीएसएससी की तरफ से नई तारीखों पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 26 दिसंबर को यह परीक्षा ली जा सकती है।
मोहम्मद सिराज बने टीम इंडिया के भरोसेमंद गेंदबाज। भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड की ही जमीन पर उनके खिलाफ लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसमें भारतीय गेंदबाजों का कमाल दिखा, खासकर मोहम्मद सिराज अब टीम इंडिया के भरोसेमंद गेंदबाज बन चुके हैं। सिराज ने भारत के लिए सिर्फ 7 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन इस छोटे से करियर में ही उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर अपना दम दिखा दिया। इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा सटीक लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की। विदेशी धरती पर खासकर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3, ईशांत शर्मा ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिए। आज मनाया जा रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस। दुनिया भर में आज का दिन अपनी रंग बिरंगे यादों को फोटो के रूप में सहेज लेने का दिवस है। यानी कि आज का दिन 19 अगस्त हर साल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य इस कला और उसके पीछे के इतिहास की सराहना के साथ साथ उसके विज्ञान को भी समझना है। आज के समय में फोटोग्राफी काफी लोकप्रिय है। फोटोग्राफी कमाई का भी बेहतरीन जरिया है। आज से 25-30 साल पहले की बात करें तो बहुत से लोगों के पास कैमरा तक नहीं था जिससे वो अपनी तस्वीरें खींच सके और उन्हें यादगार के तौर पर रख सके। लेकिन आज लगभग सभी के पास मोबाइल रूपी कैमरा उपलब्ध है, जिससे लोग आराम से कहीं भी कभी भी तस्वीरें खींच सकते हैं और उन्हें यादगार के तौर पर सहेज कर रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव त्योहारों के दौरान होने पर इसका कोई असर मतदान करने वाले वोटरों पर पड़ेगा या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।